हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। तो बच्चों, आज हम लोगों को वेक्टर्स पे डिस्कशन करना है। और आपको पता है कि वेक्टर से पहले मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा चुका हूँ, उससे पहले मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस कम्प्लीट पढ़ा दिया है, हम लोगों ने परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ रखा है। तो इन सब चीज़ों के बाद क्लास 11th की फिजिक्स का वेक्टर शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। अब पहले तो ये समझिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं, किसी यूनिट्स के फॉर्म में उसको मेजर कर सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हम कितने लेंथ के हैं, हमारी लेंथ कितनी है, हमारी लंबाई कितनी है, ये हम बता सकते हैं कि 168 या 169 कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, बता सकते हैं हम अपनी, ठीक है? हमसे कोई पूछ दे हमारा वेट कितना है, हम बता सकते हैं, वेट मेजर कर लेंगे। हमसे कोई कह दे कि आप कितने अच्छे हैं या आप कितने बुरे हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं। क्यों? तो ये क्या है, अच्छा होना बुरा होना, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। समझ रहे हैं? इस वैल्यू को कोई मेजर नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप की होती है बच्चों। वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? और एक होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे कोई कह दे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है कि जिसकी मैग्नीट्यूड तो मेजर की जाए बट उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब ना हो। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दे कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड, इनको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? कोई भी आपने सिलेंड्रिकल बनाया ये, और कोई पूछ दे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आर इसकी क्या होगी? रेडियस होगी। एच इसकी क्या होगी? हाइट होगी। कोई पूछे इस सिलेंडर का मास कितना है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो मास है वो मान लीजिए इसका 2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम ही रहना है। अब उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं कि मास इधर इतना है, इधर इतना है, या ये कुछ नहीं। मास मीन्स स्केलर, ठीक है? वॉल्यूम स्केलर, डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस कितनी हमने कवर की वो क्या है? स्केलर, ठीक है? तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। टाइम स्केलर, आपको 2 आवर्स लगे, अब कोई पूछता है 2 आवर्स किधर लगे, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स खत्म बात। तो ये क्या है? इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है, ठीक है? जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपसे कहूं इस पेन को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, इस पेन को आगे शिफ्ट करने के लिए 1 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो वो 1 न्यूटन फोर्स आप इधर लगाएंगे तो शिफ्टिंग नहीं होगी,
अब वो न्यूटन फोर्स इधर लगाएंगे तो शिफ्टिंग होगी। तो फोर्स को केवल वैल्यू बताने से काम नहीं चलेगा कि 1 न्यूटन लगा दो भैया, ठीक है 1 न्यूटन लगा दिया, नहीं हुआ कुछ। 1 न्यूटन और ये डायरेक्शन इधर लगाइए तब शिफ्टिंग होगी। तो ये क्या है, फोर्स क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, मींस जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर ऊपर से कोई फोर्स लगा दे तो क्या शिफ्टिंग होगी। अगर हमें शिफ्टिंग करनी थी तो हमको बताना पड़ेगा ना कि एफ फोर्स इस डायरेक्शन लगाइए या इस डायरेक्शन लगाइए। तो फोर्स को करेक्टली बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो इसमें जो होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हर चीज का अलग अलग रूल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर अभी तक जो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ते आ रहे थे वो क्या थे, स्केलर के होते थे। 2 किलोग्राम कोई चीज ली और 2 किलोग्राम और डाल दिया तो 4 ही होना है। मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होती है इनमें हमेशा क्या होता है, इनमें केवल एडिशन होता है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी है इनमें बहुत तरीके से रिजल्ट निकल सकता है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात मैंने बताई आपको कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब फोर्स वेक्टर हो गई, अब आपसे कहा जाए पोजीशन बताइए। जैसे आप यहां पे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए अब जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप अपने कोचिंग बैठे हुए हैं, ठीक है, या अपने घर पे बैठे हुए हैं, अब आपसे कहा जाए कि आपके घर कॉलेज की पोजीशन क्या है, तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कॉलेज कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप बताएंगे 4 किलोमीटर पे है। अच्छा, अब 4 किलोमीटर पे कॉलेज आपका आपके घर से इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है या इधर है या इधर है, ये कैसे बताएंगे। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, किधर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कितना हुआ, 4 किलोमीटर। तो पोजीशन किसी चीज की बताने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। तो पोजीशन क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी इसी तरीके से। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने कहा एक जो है बुलेट फायर की गई किस डायरेक्शन में, ठीक है, वो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। समझ रहे बच्चों, तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंपलसरी हैं, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स के लिए तो हम लोग सीधे यूज कर लेते थे मास, वॉल्यूम, ठीक है, टाइम, सब ऐसे ही लिखते चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। बट वेक्टर्स को अलग से आपको एक रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे फोर्स को लिखना है तो हम एफ करेंगे और उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे कि एफ वेक्टर है। अगर हमको वेलोसिटी लिखनी है तो हम वी के ऊपर क्या करेंगे, वेक्टर लगाएंगे। मीन्स अगर किसी भी चीज के ऊपर वेक्टर लगाओ, इसका मतलब वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, फोर्स अगर नहीं, फोर्स के ऊपर अगर आपने वेक्टर नहीं लगाया, मतलब आप उसका केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, जब आप एरो लगा देंगे इट मीन्स उसमें डायरेक्शन आपने मेंशन कर रखी है। बच्चों सबसे बड़ी बात यह आती है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को हम ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि फोर्स हॉरिजॉन्टल में ऐसे लगाना, ये एक लाइन है, ये प्लेन है, और हॉरिजॉन्टली फोर्स को अप्लाई करना, तो ऐसे अप्लाई करेंगे।
अब फोर्स कितना है, उन्होंने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो ऐसे लिखने का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड को एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल एफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा इसका मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन था और डायरेक्शन क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी। तो देखो बच्चों, ये 10 न्यूटन का फोर्स हमने बना दिया, ये एफ वेक्टर हो गया, हॉरिजॉन्टल में है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10। अगर अभी हमसे कह दिया जाए 5 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट कीजिए हॉरिजॉन्टल में ही, तो हम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल की रखेंगे, इस प्लेन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल, बट 5 न्यूटन का चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे इसकी लेंथ को आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। अभी हमसे कहते हैं कि उससे भी कम 2.5 न्यूटन का चाहिए, तो हम क्या करते और कम कर देते। इट मीन्स द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ जो एरो की होती है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और जो एरो की डायरेक्शन है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। बेसिकली अगर कोई वेक्टर एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा हो, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो इस चीज को फिर हम बोलते हैं बच्चों ए बी वेक्टर, ठीक है। अगर कहीं सी से निकल के डी में पहुंच रहा हो, अब ऐसा नहीं कि सीरियल से ही हो, हम कह रहे हैं कि क्यू से निकल के पी में पहुंच रहा हो, अब बताओ, तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्यू पी वेक्टर। मीन्स वेक्टर को बोलने के लिए हमको क्या करना है, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, और उसके ऊपर क्या करना है, रिस्पेक्ट मतलब एरो, ठीक है बच्चों। तो मेरी इतनी बात क्लियर हो गई, तो पहले इस चीज को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने देख लिया है कि जो वेक्टर की एरो होती है वो उसकी क्या बताती है, वो उसका डायरेक्शन बताती है, जबकि जो एरो की लेंथ है वो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। तो अब बच्चों हम बात करेंगे यहां पे टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स कब को होते हैं बच्चों, तो अगर दो वेक्टर, ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम, मतलब ऐसे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो अगर एक ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हैं, सेम, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों, इक्वल वेक्टर हो गए। अच्छा अब अगर आप सोचिए कि दो वेक्टर्स ऐसे हो जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल ना हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो, उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलते हैं, तो बच्चों ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, कि दोनों ही डायरेक्शन सेम होती दोनों में, ठीक है। बट हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, देखो ये दोनों पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए, तब वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। सेम ऐसे ही बच्चों होता है एक अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, जैसे एक ये बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स। मींस ए इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस बी है, ए इज इक्वल टू माइनस बी, ये क्या हो गए अपोजिट वेक्टर्स। मींस अपोजिट वेक्टर कौन से होते हैं, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। बच्चों अब इसके बाद हमको यहां पे बात करनी है कि जैसे हमने अपोजिट वेक्टर समझ लिए, तो हमको यहां बात करनी है कि जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, तो द वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, पुटिंग कैप एट द वेक्टर। जैसे ये पी वेक्टर लिखा तो ये क्या है, यूनिट है। इसका मतलब इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 निकलेगा। तो कहीं पर भी अगर कैप लगा मिल जाए, जैसे ए पे कैप लगा हुआ है, इसका मतलब ये समझ जाओ ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा, ठीक है। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो ए वेक्टर दिया, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर ऐसा कर देते हो तो यूनिट वेक्टर निकल आता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ए यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। सबसे बड़ी बात है कि जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम आता है, कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को अगर केवल रिप्रेजेंट करनी किसी वेक्टर की, तो उसका यूनिट वेक्टर वहां पे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं यहां पे, कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनके प्लेन सेम होते हैं। जैसे ये मान लो एक बोर्ड का एक प्लेन है, ठीक है। अब इस पर एक वेक्टर ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सब क्या है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अब इसी में कोई वेक्टर इधर लगा दो ना, तो वो कोप्लेनर थोड़ी ना रह जाएंगे। तो कोप्लेनर कब तक है, जब तक वो सब क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ये क्या होते हैं, तो बच्चों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स 3 होते हैं, आई, जे और के। के ऐसा होता है बच्चों, बट ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना कॉपी में, ऐसे आप भी नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इस वेक्टर को हम इधर बना देते हैं के। बट रियलिटी में क्या होता है, ऐसे होता है, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो आई जे से परपेंडिकुलर, जे के से परपेंडिकुलर, के आई से परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है। तो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, आपको दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपने 2D डायग्राम बनाया। ये होना कैसा चाहिए बच्चों, 3D में होना चाहिए, ठीक है। मतलब के वेक्टर इधर के बजाय ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, तब फिर आपको सब दिखाई देगा। तो ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस होता था, वैसे ही यहां पे आई जे के चलता है। बच्चों यूनिट वेक्टर लगने का मतलब हो गया कि आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, इन सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई भी वेक्टर आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीन्स है क्या कि अब हमको जैसे कोई वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सीधे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 3k, कुछ ऐसा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये i, j, k के फॉर्म में कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो ये नंबर होते हैं, जैसे i के साथ 2, इसका मतलब x एक्सिस में कितना वो वेक्टर गया है, 2। j के साथ 3, तो j में वो वेक्टर कितना गया है, 3। k के साथ 3 माइनस 3, तो k के साथ माइनस 3 होने, तो अगर इधर प्लस k है तो पीछे माइनस 3 चले जाओ। तो उन तीनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो कहीं प्लेन में इधर कहीं एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2, 3 माइनस 3 वाला पॉइंट, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बनेगा, 2i प्लस 3j माइनस 3k। तो अब जितने भी वेक्टर को लिखना जाएगा उन सब में क्या होगा, आई जे के फॉर्म में उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमको सीखना चाहिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, कि 2 वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की, ठीक है। 2 वेक्टर्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, और बच्चों हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी, इन दोनों का एडिशन करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों ये करने के लिए हमको क्या करना होता है,
कि पहला वेक्टर पहले आप कहीं पर सेम प्लेन में ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ये इस प्लेन में है तो इस प्लेन में इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने पहले ए को ड्रॉ किया। ड्रॉ करते समय ध्यान रखेंगे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर। अब ऐसे बी वेक्टर, तो बी वेक्टर तो हमको पता है किसी वेक्टर को सेम प्लेन में हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब बी वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जैसे रोप्स को ऐड करते हैं, जब दो रोप्स को ऐड करना हो तो क्या करते हैं, एक रोप में एक रस्सी के हेड में दूसरी रोप का टेल जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। वैसे ही पहले के हेड में दूसरे का टेल जोड़ देंगे, मतलब ये बी वेक्टर यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये चीज जो आई बच्चों, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक की ये डिस्टेंस, ये कहलाता है ए प्लस बी। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए प्लस बी। अगर मान लीजिए कि आपको कभी बी प्लस ए निकालना पड़ जाए, आप सोचे b प्लस ए फाइंड करना, तो क्या करेंगे? तो बच्चों अब पहले b वाले वेक्टर को आप ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए b वेक्टर तो जैसा डायरेक्शन में वैसी डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब a वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। अब a वेक्टर को ड्रॉ करते समय क्या ध्यान रखेंगे, b के हेड में a का टेल जोड़ना है, तो b के हेड में a का टेल ऐसा। ठीक है, अब हमको पता है कि b प्लस ए कैसे आ सकता है, भाई ये b वेक्टर हमने ड्रॉ किया था, ये a वेक्टर ड्रॉ किया, तो b प्लस ए कैसे आएगा, तो पहले के, अब पहला ये ना, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक का ये क्या आ गया, b प्लस ए। ध्यान से देखिए a प्लस बी और b प्लस ए सेम, यहाँ पे आपको लग रहे होंगे ये सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में। अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, चाहे a प्लस बी का निकालें चाहे b प्लस ए का, दोनों का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये a प्लस बी हो गए और b प्लस ए हो गए। अब अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम भी होंगे, ये भी हमने समझ लिया। तो ये तो बच्चों एडिशन हो गया टू वेक्टर्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब हम बात करेंगे इस तरफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर ए दे दिया ऐसा, ठीक है, और एक वेक्टर आपको बी दे दिया इस तरह, और आपसे कहा जाए फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये फाइंड करना बच्चों बहुत सिंपल है, केवल इसको आप थोड़ा सा माइंड यूज करके थोड़ा लिखने का तरीका सही कर लीजिए, ए प्लस माइनस बी वेक्टर करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो एडिशन हम सीख ही चुके हैं, इजीली हम कर सकते हैं इसको। तो देखो बच्चों ए प्लस माइनस बी, तो अब पहला काम हमारे पास क्या है, माइनस बी ढूंढें। तो बी इधर है तो माइनस बी किधर होगा, हमने आपको बताया था ना किसी वेक्टर का अपोजिट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या बन गया माइनस बी। अब आप ए में ऐड कीजिए माइनस बी को, तो पहले तो ए वाला बना लीजिए। तो ए वाला वेक्टर देखिए जैसा दिया है वैसा ही सेम पहले ड्रॉ करो, तो ये ए हो गया। ठीक है, अब क्या करें माइनस बी, तो देखो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी। तो अब a माइनस बी कैसे होगा या a प्लस माइनस बी कैसे होगा, तो क्या करेंगे ऐसे ऐड करेंगे, तो आ गया a प्लस माइनस बी। ठीक है, तो पहले a वेक्टर ड्रॉ किया, फिर माइनस बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ किया कि a की हेड में b माइनस बी का टेल जोड़ दिया और इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, तो ये बन गया a प्लस माइनस बी। इस तरीके से आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है, दो से ज्यादा अगर वेक्टर दिए हो तो उनका एडिशन कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको हमने दिया है कि ए वेक्टर ए,
फिर हमने आपको ये दे दिया बी वेक्टर, फिर हमने आपको ये दे दिया सी वेक्टर, फिर हमने आपको ये दे दिया डी वेक्टर। और मैं कहूँ आपसे अब आप फाइंड कीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप क्या करेंगे बच्चों इस सिचुएशन में? आप पहले ए वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, जैसा है सेम प्लेन में। पहले आप क्या करेंगे, ए वेक्टर ड्रा करेंगे, फिर बी वेक्टर ड्रा करेंगे। तो जैसे एडिशन करते थे, क्या करते थे, ए के हेड पे बी की टेल, ऐसे ये हमने बी वेक्टर बना दिया। फिर सी वेक्टर, तो सी की डायरेक्शन में ही बिल्कुल वैसे ही सी वेक्टर यहां पे ड्रा करोगे तो कैसे आएगा, सेम लेंथ का, ये बन गया बच्चों सी वेक्टर। फिर क्या करेंगे, डी वेक्टर बनाएंगे, तो जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वैसा ही, ठीक है, सेम बनना चाहिए, ये बन गया डी वेक्टर। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स मोर देन टू वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर को, इसी को हम लोग आर भी लिखते हैं, आर का मतलब रिजल्टेंट। बच्चों इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर्स का लाफ पैरेललोग्राम और लाफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।